नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने आज हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश, कांग्रेस कुमाऊं प्रवक्ता नीरज तिवारी, जिला अध्यक्ष राहुल छिम्बाल के साथ कुसुम खेड़ा स्थित आवास पर चुनाव संचालन समिति की बैठक ली, जिसके बाद चुनावी कार्यालय का शुभारंभ भी किया। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर उनमें जोश का संचार किया और कांग्रेस के घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इसके उपरांत राजपुरा क्षेत्र में सभा के माध्यम से स्थानीय लोगों से चुनावी चर्चा कर कांग्रेस की जनकल्याणकारी न्याय योजनाओं की जानकारी साझा की, जिसके उपरांत मानपुर पश्चिम, रामपुर रोड और नारायण नगर कुसुमखेड़ा में जनसभा और नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने वर्तमान सांसद की विफलताओं को जनता के सामने रखा। जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त है हमारे वर्तमान सांसद साहब की निष्क्रियता, जो 5 साल रही है लगातार क्षेत्र के प्रति, जो उनकी उदासीनता रही है उसके प्रति बहुत क्षेत्रीय जनता बड़ा रोष आक्रोश है, और उसी का लाभ ये हो रहा है कि जनता अब मुझे अपना पूरा आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। पूरे 5 साल क्षेत्रीय सांसद जो अभी हैं वर्तमान सांसद, वो निष्क्रिय थे। क्षेत्र के मुद्दों पर उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया, यहाँ तक कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता था सांसद में, जो क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए उनको उपयोग में लेंगे, उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाए। मात्र 40% 17 करोड़ में से 7 करोड़ ही इस्तेमाल कर पाए, 10 करोड़ रुपये उन्होंने बर्बाद कर दिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।